हेलो फ्रेंड्स, टुडे वॉचिंग माय चैनल रावल ज्वेल पाइन। टुडे सब्जेक्ट इन जॉब रिक्वायरमेंट इन हाई कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हाई कोर्ट की असिस्टेंट एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट फॉर ए सबमिशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट इन 15 जून 2018 एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन इन ऑन एप्लीकेशन इज 14 जुलाई 2018 एंड एग्ज़ाम इन टेस्ट ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ MCQ 13 सितंबर 2018। मे रिटन एग्ज़ाम November and December 2018 एंड धैन प्रैक्टिकल स्किल टाइप ऑफ टेस्ट January and February 2019। एंड अब हम बात करेंगे कि सैलरी की। अभी दो तीन एग्ज़ाम मैंने बताई, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है एलिमिनेशन टेस्ट वो MCQ टाइप की होगी, सो 100 मार्क्स में 2 आवर के लिए होगी एग्ज़ाम। और मेन एग्ज़ाम है अभी, वो दो एग्ज़ाम पास करने के बाद आपकी, अगर आप उसमें मेरिट में आगे हो तो फिर ये थर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल स्किल मीन्स वो January and February 2019 में होगी। उसकी पे स्केल की बात करें तो हम 90,900 एंड वैकेंसी 767, SC के लिए 137 एंड ST के लिए 126 एंड जनरल के लिए 408 एंड क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री कोई भी हो आप क्वालिफाइड हो कर सकते हो, बट स्पीड ऑफ 500 पर सेकंड या तो पर मिनट 5000 इन कंप्यूटर इन इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज। आपकी स्पीड अगर सेकंड में गिनी जाए तो 100 में, और अगर मिनट में गिनी जाए तो 1000 में 5000 होनी चाहिए आपकी स्पीड गुजराती इंग्लिश में। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का होना चाहिए, जैसे एक्सेल पावर पॉइंट, और वैसे आपको उतनी कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड एज 21 to 35 ईयर होनी चाहिए, मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 35। वुमन के लिए 5 ईयर और अभी दिए ज़्यादा, SC ST के ABC के लिए 5 ईयर एंड अगर कोई एक्स आर्मी मैन है या तो कोई हैंडीकैप है उसको 10 ईयर की छूट दी गई है। और अभी हम फीस की बात करें तो किसके लिए कितनी फ़ीस है, तो ST, SC एंड एक्स आर्मी के लिए 300 है और जनरल की है और बाकी सब के लिए 600 फीस है। हम आप ये फॉर्म http ojas.com में भी जाके फॉर्म इजीली भर सकते हो। अभी मैंने आपको बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें अगर आपने फर्स्ट पेपर MCQ क्लियर कर लिया तो सेकंड पेपर में गुजराती जनरल नॉलेज और बेसिक नॉलेज आएगा आपको सेकंड पेपर में। और ये एग्ज़ाम मोस्टली अहमदाबाद होती है, या तो आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा है उसमें होगी। एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 40 मार्क्स की होगी, उसमें से वो आपको बताएंगे आपको कम से कम कितने मार्क्स लेने हैं। अगर गुजराती टाइपिंग हुई तो ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा है वो सारे गुजराती टाइपिंग मीन्स टेरा फॉन्ट है, स्पेशल कैरेक्टर इंडिक्स है, इसके अलावा आप कोई भी फॉन्ट यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रॉपरली जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है इसमें ही आप यूज़ कर सकते। मैंने आपको अभी बताया कितने पेपर है, कितनी एग्ज़ाम है, कब है, कितना टाइम है, कितनी सैलरी है, वो सब आप मैंने बताया है एज। तो आप अब इजीली जाके, अभी स्टार्टिंग डेट मैंने देखा है आप अभी स्क्रीन पे दिखाया है वो स्टार्टिंग डेट है, और आप इजीली ओजस पे जाके ये फॉर्म भर सकते। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।